बीजेपी अमित शाह इज करंटली स्पीकिंग, लेट्स टेक यू स्ट्रेट देयर। तालाब की तरह कार्यक्रमों के साथ जुड़ती जा रही है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मेरे इतने साल के सार्वजनिक जीवन और चुनावी राजनीति के अभ्यास के आधार पर, अनुभव के आधार पर मैं कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस बार के चुनाव में एनडीए 300 से ज्यादा सीट पाएगी और स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार होगी और श्री नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। मित्रों, जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐतिहासिक विजय की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और मायावती जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, तीनों मान लीजिए एक ऐसा दृश्य खड़ा हुआ है कि इकट्ठा होकर ही चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों की इकट्ठी ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी की स्पर्धा है। रायबरेली और अमेठी में समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा न करकर ये सिग्नल देती है। मुलायम सिंह की पार्टी जब कांग्रेस के किसी नेता पर संकट आता है तो अपने आप साथ में खड़ी हो जाती है। अखिलेश जी ने रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में खड़ा रहकर इस बात को सिद्ध किया है। जब प्रियंका जी की बात आई तो मायावती जी ने प्रियंका जी को सपोर्ट करा। पूरा ये चुनाव अभियान मान लीजिए मोदी वर्सेस ऑल इस तरह से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के समाज जीवन के हर सेगमेंट से, हर एज ग्रुप के सेगमेंट से, हर जाति से, हर संप्रदाय से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन मिल रहा है और उसका कारण यह है कि यहां की जनता डबल एंटी इनकम्बेंसी को प्रदर्शित कर रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ, यूपीए शासन के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी है ही है, मगर यहां समाजवादी पार्टी की जो सरकार चलती है और इसके आगे जो मायावती जी की सरकार थी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार, दोनों के खिलाफ जनता का रोष चरम सीमा पर है और इसके कारण स्वाभाविक रूप से जिन कारणों से रोष चरम सीमा पर है वो सभी कारणों का जवाब दिखाई दे पड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी के शासन में दिखाई पड़ता है। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश मानो एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में लगा है और जन समर्थन सैलाब की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे बने हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ये सभी मुद्दे उत्तर प्रदेश में भी इतने ही रिलेवेंट है। मैं यही कहना चाहूंगा कि देश के बाकी हिस्सों से ज्यादा उत्तर प्रदेश में रिलेवेंट है। इसके कारण जहां जहां मोदी जी के कार्यक्रम होते हैं, आपने कल वाराणसी में देखा ही होगा, सिर्फ मोदी जी हेलीपैड से अपने कार्यालय कार्यकर्ताओं को मिलने जाते थे। हमने कार्यक्रम इश्यू किया था, विद इन 20 मिनट ही विल बी रीच एट अवर ऑफिस, मगर जाने में हमें लगभग 4 घंटे लग गए। इतने लोग अपने आप रोड पर आना, ये मैं मानता हूं हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे ऐतिहासिक क्षण था, सबसे ऐतिहासिक कार्यक्रम था। मित्रों, मैं आज आप सबके माध्यम से इलेक्शन कमीशन को भी कहना चाहता हूं कि पहले भी मैं कह चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में बाकी 18 की 18 सीटों पर इलेक्शन कमीशन हर बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करे। जहां सेंसिटिव बूथ है वहां पर भी पैरामिलिट्री फोर्स तैनात नहीं किए गए। वाराणसी में हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की है, इसका हम स्वागत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए करना ही चाहिए। मगर जब आप वाराणसी में कर रहे हो और आजमगढ़ में जहां से मुलायम सिंह यादव लड़ रहे हैं
वहां पैरामिलिट्री फोर्स एनफोर्स नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने काम पर गंभीरता से सोचना चाहिए। टेक्निकली इलेक्शन कमीशन का जवाब आता है कि नीचे से रिपोर्ट नहीं है। अगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट पर ही इलेक्शन कराना है तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने दायित्व को गंभीरता से नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं इसमें चूक हो रही। मेरी ये मांग है इलेक्शन कमीशन के से कि 18 की 18 सीटों पर हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाना चाहिए, क्योंकि अब चुनाव सिमट कर 50 सीटों पर रह गया है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की उपलब्धि भी खासी है, अवेलेबल तो लगाने में कोई जगह गोताही नहीं बरतनी चाहिए। आजमगढ़, घोसी और गाजीपुर ये तीनों सीटें बड़ी संवेदनशील सीटें हैं, वहां पर बड़े संवेदनशील मामले पहले भी हुए हैं, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं भी हुई है। इन तीनों सीटों पर पैरामिलिट्री फोर्स तत्काल लगा देना चाहिए, ऐसी हम मांग करते हैं। और मैं मानता हूं कि जहां से मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे अखिलेश जी जहां पर मुख्यमंत्री है, उस जिला प्रशासन पे भरोसा करे बगैर इलेक्शन कमीशन ने तत्काल आजमगढ़ में हर बूथ पर माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियोग्राफी और पैरामिलिट्री फोर्सेस की व्यवस्था करनी चाहिए। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भाग रहा है। वाराणसी में जो घटना हुई इसके बारे में मैं कोई ज्यादा आपको बताना नहीं चाहता, मीडिया में काफी बात हो चुकी है, मगर अब आज से लेकर काउंटिंग तक का जो समय है इसके लिए एक वाराणसी की सीट पर ठीक से इलेक्शन हो, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम जांच कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का रोल क्या है, और अगर जांच में जांच उनकी खत्म हुई हो तो मुझे लगता है जनता के सामने रख लेना चाहिए कि वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर रहे या नहीं कर रहे। आज से लेकर काउंटिंग तक का इलेक्शन ठीक से यहां पर हो, बिना पक्षपात हो, इसके लिए बहुत जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाराणसी का ट्रांसफर करा जाए। और मेरे पास कुछ सूचनाएं भी है, मगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूचना है, कोई ऑथेंटिक सूचना नहीं है, कि इलेक्शन कमीशन में भी इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं मतभेद। खैर, हमारा काम अपील करना है। आज मैं फिर से मांग करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वाराणसी की तत्काल ट्रांसफर होनी चाहिए और उत्तर प्रदेश में बची हुई 18 की 18 सीटों पर हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स को लगाना चाहिए। धन्यवाद। अब आप पूछ सकते हैं। अस्मिता, अमित शाह, आपने अभी इसी के भूमिका को लेकर कहा और आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं लगता है वो अपनी जिम्मेदारियों से शायद भागना चाहते हैं। कल रोहनिया की सभा में जब नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन पर ये बात उठाई कि कांग्रेस बैकडोर से सरकार हथियाना चाहती और इलेक्शन कमीशन उसमें भागीदार ना बने, उसके बाद सीईसी संपत साहब ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन किसी से डरता नहीं है और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कोई नेता कितना बड़ा है या कितना मजबूत कैंडिडेट है, इस पर आपका क्या? नहीं, मैं भी मानता हूं कि इलेक्शन कमीशन से किसी से नहीं डरना चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने प्रॉम्प्टली फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तत्काल सभी जो कदम उठाना जरूरी है वो उठाना चाहिए। इतना संपत्ति साफ कर ले, हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, हम डराना भी नहीं चाहते। अमित शाह जी, जिला अधिकारी का कहना ये रहा कि गुजरात पुलिस के डीएसपी की रिपोर्ट थी कि वहां पर सुरक्षा कारणों से सभा संभव नहीं है, बेनियाबाग मैदान की मैं बात कर रहा हूं। मैं तीन दिन से कह रहा हूं जिला अधिकारी के पास जिसकी भी रिपोर्ट हो वो पब्लिक करनी चाहिए, चर्चा ही खत्म हो जाएगी, नहीं करें। कल ऑर्डर गोस्वामी को इंटरव्यू दिया नरेंद्र मोदी जी ने, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर एक मेंबर पार्टी का भी कोई बंदा एमपी हो और उसका समर्थन लेना पड़े तो लिया जाएगा। आज मायावती ने एक रैली की वाराणसी में, जिसमें उन्होंने बोला कि मोदी कम्युनल है और बोला कि कंप्लीटली अनटचेबल है, तो उन्होंने एकदम जो है दरवाजा बंद कर दिया है। आपको क्या लगता है कि आप इस पर